नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ वीरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात राज्य के भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे भावनगर रेलवे स्टेशन की बेसिक जानकारी, या किस लाइन पे मौजूद हैं वो, इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होने वाली ट्रेनों के बारे में, इस रेलवे स्टेशन से नज़दीकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बारे में, और इस रेलवे स्टेशन पे यात्रियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। भावनगर रेलवे स्टेशन गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BVC, जिसे यूज़ करके यात्री कैसे भी अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन को वेस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है, जो कि भावनगर परा डिवीजन में लगता है। यह एक टर्मिनस टाइप का रेलवे स्टेशन है, जिसका एलिवेशन यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई 11 मीटर है। इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म और 3 ट्रैक मौजूद हैं, जिनमें सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य अभी अंडर प्रोग्रेस है। इस रेलवे स्टेशन से 14 ट्रेन अपनी जर्नी शुरू करती हैं और 14 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से अपनी जर्नी समाप्त करती हैं। अब बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन के लाइन के बारे में। यह रेलवे स्टेशन भावनगर सुरेंद्रनगर अहमदाबाद लाइन, भावनगर सीहोर पालीताना मेन लाइन, भावनगर द्वालका अहमदाबाद लाइन और भावनगर भावनगर रेल फैक्ट्री लाइन पे मौजूद हैं। यह एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को भावेना या फिर मोटा स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होने वाली ट्रेनों के बारे में, जिनमें मेल या फिर नॉन सुपरफास्ट की 5 ट्रेन, पैसेंजर की 6 ट्रेन और सुपरफास्ट की 4 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होती हैं, जिनमें ट्रेन क्रमांक 12756 भावनगर टर्मिनस टू कोकिनाडा पोर्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में सिर्फ शनिवार को सुबह 4:25 पे इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होती है। ट्रेन क्रमांक 19107 भावनगर टर्मिनस टू उधमपुर जन्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सप्ताह में सिर्फ रविवार को सुबह 4:35 पे इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होती है। ट्रेन संख्या 19205 भावनगर टर्मिनस टू महुआ एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में 7 दिन सुबह 9:30 पे इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होती है। ट्रेन संख्या 19260 भावनगर टर्मिनस टू कोचुवेली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सप्ताह में सिर्फ मंगलवार को सुबह 10:10 पे इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होती है। ट्रेन संख्या 09454 भावनगर टर्मिनस टू बांद्रा टर्मिनस स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सिर्फ गुरुवार को दोपहर को 2:50 पे इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होती है। ट्रेन संख्या 12941 पारसनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि भावनगर टर्मिनस से आसनसोल जंक्शन तक चलती है। यह ट्रेन सप्ताह में सिर्फ मंगलवार को शाम को 5:45 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट होती है। ट्रेन संख्या 22964 भावनगर टर्मिनस टू बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सप्ताह में सिर्फ रविवार को शाम को 5:45 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट होती है। ट्रेन संख्या 12972 भावनगर टर्मिनस टू बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सप्ताह में 7 दिन शाम को 6:30 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट होती है। ट्रेन संख्या 19209 भावनगर टर्मिनस टू ओखा एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सप्ताह में 7 दिन रात को 10:10 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट होती है। यह कुछ मेजर ट्रेन थी जो कि इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होती है, जिसकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, वक्त के साथ ट्रेन की संख्या में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन से नज़दीकी एयरपोर्ट और नज़दीकी रेलवे स्टेशन के बारे में। नज़दीकी एयरपोर्ट के बारे में बताऊँ तो भावनगर का सिविल एयरपोर्ट 6 किलोमीटर के दूरी पे मौजूद है, और रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊँ तो
भावनगर परा रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर के दूरी पे मौजूद है। इसके अलावा भरतेज रेलवे स्टेशन 9 किलोमीटर, खोडियार मंदिर 15 किलोमीटर और सीहोर जंक्शन 20 किलोमीटर के दूरी पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन से यात्रियों को मिलने वाली सुविधा के बारे में, जिनमें पार्किंग, टॉयलेट, सिटिंग चेयर, व्हील चेयर, ड्रिंकिंग वाटर, डिस्प्ले गाइडलाइन, वॉइस गाइडलाइन, वेटिंग रूम, फूड, टी स्टॉल, टिकट रिजर्वेशन काउंटर, ट्रेन इंक्वायरी सेक्शन जैसे कई सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दी जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।